अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज अहमद लतीफ रुमान। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट जो हर यूट्यूबर करता है कि मेरा चैनल का मेन डैशबोर्ड आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम, और अच्छी से ऐसी वीडियो कॉन्टेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कि जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने जीमेल जो है मेरा, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। ये उसका मेन डैशबोर्ड है, उसकी मेन स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ इंपोर्टेंट मेल्स होती हैं जो कि हम मिस कर देते हैं, जिनका हमें रिप्लाई देना जरूरी होता है, लेकिन या तो हम उनको स्किप कर देते हैं या हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें रिसीव आई है कि नहीं, मिली है कि नहीं। तो उसी से जान छुड़ाने के लिए हम वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कि हम किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि हमें कौन सी सब्सक्रिप्शन रखनी है, कौन सी साइट की हमें मतलब अनसब्सक्राइब उनको करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को जस्ट बताऊंगा कि हम किस तरह से इसको ब्लॉक कर सकते हैं जो कि हमें मेल्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एमरेट्स की है मेरे पास, यहाँ पे प्रमोशन आई है लेकिन मेरा इसके साथ कोई तलक नहीं, लेकिन फिर भी आई हुई है, जिसकी वजह से मैं अपनी इंपोर्टेंट मेल जो होती है उनको स्किप कर देता हूँ या उनको गलती से छोड़ देता हूँ, डिलीट कर देता कुछ भी मतलब। तो उसका बाद में मुझे थोड़ा परेशानी होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली जाए तो एमरेट्स की आईडी है यहाँ पे मेरे पास मेल, और मैं चाहता हूँ इसको मैं अनसब्सक्राइब कर, अनसब्सक्राइब करें तो उसको छोड़े, इसको किस तरह से मैं इसको मतलब ब्लॉक कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेल को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनसब्सक्राइब की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए इसको। यहाँ पे एक ये तरीका है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट क्लिक पे, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक एमरेट्स, सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्यूचर मैसेज फ्रॉम एमरेट्स, ये उनकी आईडिया विल बी मार्क एज स्पैम, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉक। तो ये अब मेरे पास ब्लॉक हो चुकी है, मतलब अब मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अनसब्सक्राइब है। और इसको ये पता नहीं क्या है, इसको खाली बार अनसब्सक्राइब ऑल फ्रॉम ऑल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वैसे इसको आप छोड़ दीजिए, हमने इसको जब ब्लॉक कर दिया तो वो ब्लॉक हो गई है। अब चलते हैं हम किसी और में, तो यहाँ पे फ्लाई दुबई, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लॉक। ओके, अब ये जितनी भी है ना, ये हमारे स्पैम में आएंगी जो कि हमें दिक्कत नहीं करेंगे मतलब किसी किस्म की। तो यहाँ पे देख रहे हैं अनब्लॉक करके मतलब सेंड की है वो मूव टू स्पैम, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मूव हो गई है वहां पे। अब जितनी भी ये होंगी ये वहां पे जाएंगी स्पैम में, तो यहाँ पे एमरेट्स रह लेता है, यहाँ पे कर देते हैं इसको, इसको मैं कर देता हूँ रह ले ब्लॉक। ओके ब्लॉक कर देता हूँ और मूव टू स्पैम, ये आपको मूव टू करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। फ्लाई दुबई पे चलते हैं, ये ऑलरेडी ब्लॉक है, शायद हमने पिछली वीडियो में की होगी। तो यहाँ पे उसका और इसमें चले, यहाँ पे DJI लिंक एमरेट्स अल मुसाफर है, यहाँ पे जाता हूँ, इसका कर देता हूँ ब्लॉक। ओके मतलब सिंपल सा तरीका है इसको ब्लॉक करने का, उसके बाद आप इसको स्पैम को मूव करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसका पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द अल्लाह हाफिज। सिंपली आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप कोई भी मेल जो होती है उसको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।